16 साल तक घर छोड़ को हटी नहीं सो बच्ची चाइना से 1660 पर दोवा साल में उसके घर छोड़ को उन्हें बाहर आती हांगकांग जा को टिकती 1960 पर तीन में इसके फैमिली में ही सो एक मेंबर से क्या बोलते हैं तो तू शो ब्रदर बोलकर एक स्टूडियो है वहां को जाको जम जा तुझे आमदानी भी मिल जाना तो बोलते हैं इसका बैकग्राउंड आपको डांस एंड प्लस इसका ट्रेडिशनल लैंग्वेज है सो से इसे टीम में ले लेते हैं पहली बार 1960 पर चार में ताइवान ड्रामा में पहली दफा इसका चेहरा आपको टेलीकास्ट होता उसके बाद 1660 पर छह में कम एंड ड्रिंक विद मी ऐसा बोलकर एक मूवी रिलीज होता वो मूवी में इन्हें बहुत बड़ा एक रोल करती वो मूवी के बाद इन्हें बहुत बड़ी स्टार भी बन जाती इसका बैकग्राउंड डांस एंड वो लैंग्वेज रहने से ये मूवी इंडस्ट्री में जल्दी जल्दी आगे बढ़ने शुरू करती वो फकत नहीं सो इसे तलवारबाजी भी कैसा करना बोलकर मानव है सो से बहुत सारे मूवी में इसे अपॉर्चुनिटी भी मिलता 1960 पर आठ में गोल्डन स्वालो ऐसा बोलकर एक मूवी डायरेक्ट हुआ था वो टाइम में डायरेक्टर क्या बोला ऐसा था दो स्टेटमेंट में ये दो खिड़की से बाहर आ जाओ ये औरत चल को आने के लिए बोलो करो लेकिन वो लड़की क्या करे ऐसा कर दो इतना रोई ताकि वो डायरेक्टर एक्सेप्ट कर लिया अच्छा मां क्या करेगी कर रही तो छोड़ दिया जैसे वो स्टेटमेंट वो खिड़कियों से गुलाटी मार को आएगी उसी तरह इन्हें भी दरवाजे के जरिए से गुलाटी मार को बाहर आएगा ये स्टंट वो मूवी में बहुत बड़ा हिट होता 1970 पर एक में इन्हें शादी कर ली शादी करने के बाद भी इसका करियर को नहीं छोड़ना नहीं सो इन मूवी में अपने रोलों को की छोटे छोटे रोलों लेकिन 1960 पर चार के बाद इन्हें मूवी में आना एकदम कुछ रुक गई और अपने बच्चे को बड़ा करना और अपने बच्चों को पालना कर भूल को इन्हें कैलिफोर्निया को ट्रैवल करके चली गई वहां जाने के बाद भी इन्हें स्टूडियो में ज्वाइन करके वहां इन सो बच्चे आपको चाइनीज फ्रॉक्स डांस आपको इन्हें सिखा दी अगेन 7 साल के बाद इन्हें मूवी में अपियर होना चालू कर साल 2000 में एक बहुत बड़ा एक मूवी रिलीज हुआ द कोचिंग टाइगर एंड ए हिडन ड्रैगन बोलते उसमें एक बहुत बड़ा मेजर रोल करी वो मूवी एकदम हिट होता इन्हें बहुत बार क्या बोलती थी तो मंजे ये स्टेज में डांस करना होता का तो जरूर मेरे हाथ से एक मूवी में भी मेजर रोल भी करना होगा तो इन्हें सोचती थी ये जो इन्हें सोचती थी एक वक्त के बाद इन्हें जो सोची वो खुलासा कर को भी बताई इसे बहुत मोहब्बत से भांग के ही सुदमिया The Queen of Sword ऐसा बोलकर भी बुलाते थे इन्हें दूसरी कौन भी नहीं इन्हें The Chin Pi Pai जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर डालो दूसरे वीडियो में मिलेंगे बाय बाय